बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हुक में धागा डालेंगे। अब चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ चेन ली। फर्स्ट चेन में डाल के एक रिंग बना लेंगे। अब रिंग बनाने के बाद तीन चेन लेंगे, एक दो और तीन, तीन चेन लेके डबल क्रोशे करेंगे, एक दो, एक तीन चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगा, फिर आगे दो डबल क्रोशे, यानी अभी तक तीन डबल क्रोशे किए हैं, चार पाँच छः एंड लास्ट वन इज 18 डबल क्रोशे। टोटल यहाँ पे 18 डबल क्रोशे किए मैंने। अब यहाँ पे तीसरे थर्ड चेन में डाल के सब स्टिच कर देंगे, तीसरी वाली चेन में डाल के, तीन चेन ली थी ना उसकी बिल्कुल टॉप पे डाल के एक सब स्टिच कर देंगे। सब स्टिच कर दिया हमने। अब देखें, एक दो तीन, तीन चेन लिए, नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे किया, तीन चेन हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा, नेक्स्ट डबल क्रोशे और फिर उससे नेक्स्ट एक और डबल क्रोशे, यानी टोटल यहाँ पर तीन डबल क्रोशे हो गए। अब एक दो तीन चेन लेंगे और सेम उसी जगह पे डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे तीसरा डबल क्रोशे किया था वहीं पे डाल के एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में डाल के दूसरा डबल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट में डाल के तीसरा डबल क्रोशे, ठीक है। फिर चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद अब उसी जगह पे तीसरी डबल क्रोशे के साथ ही हमने उसी में डाल के एक डबल क्रोशे करना है, नेक्स्ट में डाल के दूसरा डबल क्रोशे और फिर इससे नेक्स्ट में डाल के तीसरा डबल क्रोशे, ठीक हो गया। अब फिर से एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, यह पैटर्न रिपीट करेंगे, सेम यहाँ पे चेन में डाल के एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में डाल के दूसरा डबल क्रोशे, फिर उसे नेक्स्ट में डाल के तीसरा डबल क्रोशे, टोटल कितने हो गए, एक दो तीन, तीन गैप्स बनाए हैं मैंने, तीन तीन चेन के तीन गैप्स बनाए हैं, फिर एक दो और तीन चेन लेंगे और टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद ये जो गैप है हमारे पास यहाँ पे काम करेंगे, एक डबल क्रोशे, दूसरा और तीसरा, तीन डबल क्रोशे, अब तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद अगेन उसी जगह पे डाल के तीन ही डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन, अब चेन लेंगे, एक और दो, दो चेन लेने के बाद अगेन नेक्स्ट जो तीन चेन का गैप है यहाँ पे भी तीन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन, तीन डबल क्रोशे,
तीन चेन और फिर से तीन ही डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन, फिर से दो चेन लेंगे और अगेन नेक्स्ट गैप पे भी यही काम करेंगे, तीन डबल क्रोशे, एक दो और तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे उसी जगह पे डाल के, एक दो और तीन, अब क्या करेंगे आगे ये देखें। अब तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद टर्न करेंगे। अब यहाँ पे जो तीन चेन का गैप है सेम यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, एक दो और तीन, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे उस जगह पे डाल के, एक दो और तीन। अब आगे यहाँ पे दो चेन लेंगे, नेक्स्ट जो तीन चेन का गैप है यहाँ पे काम करेंगे, डबल क्रोशे करेंगे, एक दो तीन अब तीन चेन ली, अगेन उसी जगह पे डाल के तीन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन, फिर से तीन चेन लेंगे, फिर उसी गैप में डाल के तीन डबल क्रोशे, एक दो और तीन, अगेन ये देखें यहाँ पे मैंने दो गैप्स बनाए हैं तीन तीन चेन के, पहले तीन डबल क्रोशे किए फिर तीन चेन लिए, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, फिर तीन डबल क्रोशे, अब दो चेन लेंगे और यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे, एक दफ़ा तीन चेन एक दफ़ा लेंगे, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, और तीन ही डबल क्रोशे, एक दो और तीन, आप तीन चेन लेके टर्न करेंगे, यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे लेंगे, तीन डबल क्रोशे, एक दो तीन चेन और तीन डबल क्रोशे, अब दो चेन लेंगे, डबल क्रोशे करेंगे, पहले तीन चेन के गैप में यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशे, फिर तीसरा, तीन डबल क्रोशे के बाद तीन चेन लेंगे, फिर
फिर से तीन ही डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन। अब दो चेन लेंगे, फिर यहाँ पर तीन डबल क्रोशे, एक दो तीन, फिर दो चेन लेके और सॉरी तीन चेन लेके वापस उसी जगह पे डाल के तीन ही डबल क्रोशे करेंगे, एक। देखें तीन डबल क्रोशे करनी है पहले, फिर बीच में दो चेन का गैप दिया। अब यहाँ पे दो चेन लेंगे और लास्ट पे यहाँ पर तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन ही डबल क्रोशे। अब तीन चेन लेके टर्न करेंगे, फिर से यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन ही डबल क्रोशे। अब दो चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, एक दो तीन, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, टोटल नाइन डबल क्रोशे किए हैं। अब यहाँ पे जहाँ दो चेन का गैप था यहाँ पे तीन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो तीन डबल क्रोशे, फिर एक दो तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे, एक दो और तीन। अब यहाँ पे अगेन उस जगह पे जहाँ तीन चेन ली थी वहाँ पे नाइन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ डबल क्रोशे। आप चेन लेंगे, एक दो, दो चेन लेके यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे। तीन चेन,
एक दो और तीन। ये देखें, सबसे पहले तीन डबल क्रोशे के, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे, फिर दो चेन का गैप देखें। यहाँ पे साइडों पे नाइन नाइन डबल क्रोशे किए हैं, बीच में यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे किए हैं, फिर नाइन डबल क्रोशे और फिर से दो चेन का गैप देखें, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे। ये नाइन डबल क्रोशे किए हैं, इन्हीं से हमने लीफ बनाना शुरू करना है। अब तीन चेन लेके टर्न करेंगे। यहाँ पे हमेशा आपने तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे ही करना है इस जगह पे। एक दो और तीन, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे। एक दो और तीन। अब यहाँ पे नाइन डबल क्रोशे के ऊपर नाइन डबल क्रोशे करेंगे। बीच में दो चेन का गैप तो दिया हमने, अब नाइन डबल क्रोशे के ऊपर यहाँ पे नाइन ही डबल क्रोशे करेंगे। आप एक चेन का गैप देंगे यहाँ पे और इस जगह पे तीन डबल क्रोशे पहले करेंगे। एक दो और तीन, तीन चेन लेंगे, अगेन उस जगह पे तीन डबल क्रोशे करेंगे। एक नाइन डबल क्रोशे के ऊपर नाइन डबल क्रोशे किया, बीच में एक चेन का गैप देखें, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे किए। अब एक चेन का गैप देंगे दोबारा और इस नाइन डबल क्रोशे के ऊपर नाइन डबल क्रोशे करेंगे। फिर से ये नौवां डबल क्रोशे है। अब दो चेन लेके इधर तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे किया है। देखें, सबसे पहले तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे, बीच में दो चेन का गैप देके नाइन डबल क्रोशे, फिर एक चेन का गैप देके तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे, फिर एक चेन का गैप देके नाइन डबल क्रोशे, फिर दो चेन का गैप देके तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे किया। अब तीन चेन लेके टर्न करेंगे।